सो नाउ वॉट मैम संवाद लेखन ओके संवाद लेखन में कोई वर्कशीट है आपके पास? नहीं मैम एक वर्कशीट मैम वन सेकेंड आई थिंक सो आई हैव अ वर्कशीट जस्ट गॉट इट फॉर द मैम अदर टॉपिक मैम द टॉपिक इज दिस जस्ट Do you have or should I give you the topic? नो मैम आई हैव इट मैम द टॉपिक इज गणतंत्र दिवस पर पिता पुत्र के मध्य हुई बातचीत को संवाद रूप में लिखी वेरी गुड शुरू करें हाँ मैम गणतंत्र दिवस आपको पता है क्या होता है? मैम इट्स रिपब्लिक डे यस एंड व्हेन इट कम्स मैम जनवरी 26 और क्यों मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस? मैम क्योंकि मैम क्योंकि क्योंकि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था. संविधान होता है कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक द रूल बुक दैट वी फॉलो मैम कैन यू राइट द एंटायर कंट्री. मैम कैन यू राइट द Writing is a difficult part for me today because it's not working. Oh, okay, ma'am. Ma'am, so can you just say wait, I'll try to write anyhow. Okay. मैं अपनी कीबोर्ड में हिंदी लैंग्वेज ऐड कर देती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. ओके फिर मैं हिंदी में टाइप कर लूंगी. Just a second, it's getting downloaded. Meanwhile, Samvidhan. Would be something like this in English. Hindi mein.
संविधान, यस मैम. सो इट्स स म देन छोटा वी. यस, आप स के ऊपर बिंदी भी लगा सकते हो. सिंस म के बाद में कोई वॉवल नहीं है. ओके मैम, मैम देन द आता है. तो उस हाफ म को हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं. ओके मैम, ठीक है. ये होता है संविधान. ओके मैम. यू विल यूज दिस वर्ड संविधान संवाद लेखन में. ओके मैम. ठीक है. यस मैम. Ma'am, so can I start writing the on the Sanbad Lekhan? Yes. Ma'am, can I write it on the board? Sure. Okay. Ma'am, actually. I can write something, but there is a issue. Yes, ma'am. Do you want to write on my whiteboard or yours? Ma'am, anything is okay for me. I think it's fine. Like, if you want to share your screen, I'll stop sharing here. No, ma'am, this one's only okay for me. Okay, then I'll change the page. So, let's discuss first what you are going to write. Okay, yes, ma'am. Haan, bataiye. Ma'am, so the first is... hello and like greetings with Pita and Putra. And baad mein Republic Day kab, like ma'am, putra ne pucha pita ko, like Republic Day kab hai. और लाइक पिता आंसर करते हैं वो क्वेश्चंस. ओके. और मैम, और व्हाट डू दे डू ऑन दैट डे, व्हाई डिड लाइक व्हाई डू दे सेलिब्रेट. ओके. और Ma'am, at the last, Republic Day. ठीक है. You can start like this. कि पुत्र पिताजी से बोलता है, नमस्ते पिताजी. फिर पिता बोलते हैं नमस्ते. फिर पुत्र बोलता है, मेरे विद्यालय में गणतंत्र दिवस की तैयारियां हो रही हैं, क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हैं? ठीक है. फिर पिताजी बताएंगे. ओके मैम. हाँ बिल्कुल. गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है. आमां. इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था. आमां. फिर नेक्स्ट सेंटेंस पुत्र बोलेगा,
ओके लेट्स मेक इट लिटिल बिट इजियर फॉर यू कि गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है. फिर पुत्र पूछ सकता है कि यह क्यों मनाया जाता है. तो पिताजी बोलेंगे कि क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था. ठीक है. हाँ, हाँ, फिर वो पूछेगा कि इस दिन क्या क्या होता है. पुत्र पूछेगा हाँ, इस दिन क्या क्या होता है. फिर पिताजी क्या बोलेंगे. फ्लैग होइस्टिंग. हिंदी में क्या बोलते हैं फ्लैग होइस्टिंग को. मुझे नहीं पता. इस दिन हमारे देश का झंडा फहराया जाता है. ठीक है. ओके मैम. और मैम और प्राइम और प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर इज प्रधानमंत्री. रेड फोर्ट लाइक रेड फोर्ट. गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं. प्रेसिडेंट. ओ या प्रेसिडेंट. ठीक है. हाँ मैम. और एक चीज और है. गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है. इट्स अ नेशनल फेस्टिवल. ठीक है. और आपको पता है क्या होता है. गणतंत्र दिवस के दिन हर कोई झंडा फहरा सकता है प्रोवाइडेड कि वो सुबह आफ्टर सनराइज झंडा फहराएं और आफ्टर यस एंड बिफोर सनसेट वो झंडा उतार दें. ओके यस. सो एवरीवन कैन डू फ्लैग होस्टिंग ऑन नेशनल फेस्टिवल्स लाइक 15th अगस्त 26th जनवरी. ओके. सो यू माइट हैव सीन कि कई गाड़ियों पर लगा होता है, कई घरों में लगा होता है, बच्चे हाथ में लेकर घूम रहे होते हैं झंडा. बट दिस इज नॉट अलाउड ऑन एनी अदर डे. ओके. ओनली ऑन नेशनल फेस्टिवल्स. स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस इन दोनों पर ही झंडा फहराया जा सकता है सबके द्वारा. ओके. यस मैम. तो और क्या क्या होता है 26 जनवरी को आप बताओ. मैम राष्ट्रपति रेड फोर्ट पर लाइक जाते हैं और झंडा फैलाया कर. स्कूल में कुछ पता है मैम भी मैम हम कलर ड्रेस पहनते हैं बट हम क्या मैम कलर ड्रेस. ओके ठीक है. इट्स ओके. सो जनरली क्या होता है गणतंत्र दिवस पर कि स्कूलों में कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम. ओके मैम. ओके मैम. तो बच्चे उसमें परफॉर्म करते हैं. ओके मैम. इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं. ठीक है. ऑल ओवर द इंडिया. ओके चलिए स्टार्ट करिए लिखना.
Just a second, it's too much of noise. Roshni, where are you? Ma'am, I'm over here only. Okay. Ma'am, I'm writing. Ma'am, I'm writing it. Okay, that's it. Father? No, actually, I was trying to fix this Hindi keyboard. That's oh, why. Okay. He's made out again. पिताजी होता है बेटा, पिता नहीं. ओ यस, हम पिताजी. मेरा विद्यालय में गणतंत्र दिवस की तैयारी आरंभ कर लिया. नो, वेट. मेरे विद्यालय में गणतंत्र दिवस की तैयारियां मेरे विद्यालय में गणतंत्र दिवस की तैयारी आरंभ आरंभ होने लगी है. ओके मैम, तैयारियां हो रही हैं. आरंभ मत लिखिए, गणतंत्र दिवस की तैयारी हो रही है. ओके मैम. So it's like something is happening. What is it? और शिरो रेखा हमेशा पूरी खींचिए. आप आजकल हाफ खींचने लगे हो. जल्दी में हो क्या? No, ma'am. शिरो रेखा पूरी खींचिए. आदत मत खराब करो. Actually, no. It should not be pitta. Mere vidyalaya mein gantantra ki taiyari ho rahi hai. Gantantra. Yes. कब और क्यों मनाया जाता है? Ma'am, if you write in two sentences, it will be more longer than that. Okay. You can write just कि गणतंत्र दिवस क्या होता है? कब मनाते हैं? Oh, कब okay. मनाते हैं? हाँ पे बिंदी आएगी. Okay, ma'am. You just write 26 in Hindi. 26 January. Oh. में को 26 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है. वर्ष ये श नहीं आएगा, श दूसरा आएगा.
ओके मैम, चार डेलीजिंग फॉर सम रीजन। श्योर ये वाला नहीं आएगा बेटा। यस मैम, इट्स नॉट अरेजिंग, दैट्स व्हाट आई एम, मैम दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अरेज, आई विल जस्ट कैंसिल इट आउट। ओके मैम, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्पीच? या And then Pita, will say, और यह क्यों मनाया जाता है, यह ऐड कर लीजिए। ओके मैम, तो देन पिता विल टेल, यह राष्ट्रीय मैम, व्हाट डू यू से डेट? दिनांक, त्योहार, त्योहार इस दिनांक, इस दिनांक को, ओ या को सॉरी सॉरी, इस दिनांक हमारे संविधान मिलते थे। नो नो नो, इस दिनांक को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू, ओह डेट, संविधान म नहीं होता, संविधान न होता है। ओ मैम, यू टोल्ड मौलिक, ओ दैट्स व्हाट आई वाज कंफ्यूज्ड। मैम इज इट है और मिलते हैं, लागू हुआ था, ओ लागू हुआ, ओके मैम, एंड देन पुत्र बोलते इस दिन क्या क्या होता है? हाँ मैम, दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग। आप मैं क्यों लिखते हो बार बार?
इस दिन को नथिंग इज नीडेड. हम इस दिन क्या क्या करते हैं? ओके मैम. Then Pita will tell. Is the name again me? Okay, here's the is then. Is then Rashtrapati is then yeah is then Rashtrapati Rashtrapati ma'am what is how do you call red fort lal lal kila no lal kile pe nahi karte is din rajpath par jhanda phehrate hain lal kile par 15 august ko hota hai okay राजपथ पथ रास्ता मैम दिस वन और शिरोरेखा पूरी खींचो आदत खराब कर ली है आपने अपनी oh. Ma'am, Rajpath, then we have to write, ma'am, you told a word like one of the word, Rajpath. Rajpath par jhanda fehrate hain. Oh, ma'am, I heard you telling another word. That's interesting. What? No, ma'am, I heard you telling another word after Rajpath, that's why. I thought I had to write that. Okay. Good memory. Fa-ha-ra-te. Fa-ha-ra-te. Jhanda feherana. This is the term. Okay, ma'am. Ma'am, your screen is suddenly black and oh yeah, now I'm able to see. Oops. Rajpath. Rajpath par jhanda feherna hai. No. Jhanda feherate hain. Okay, jhanda feherate. ओके मैम ओके और इंडियन फ्लैग को हिंदी में क्या बोलते हैं मैम तिरंगा झंडा वेरी गुड तो आप ये भी लिख सकते हो इस दिन राष्ट्रपति राजपथ पर तिरंगा झंडा फहराते हैं इस दिन राष्ट्रपति राजपथ में नो राजपथ पर ओ फिर तिरंगा झंडा ओ ओके मैम और पिताजी हाँ 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 पिताजी
Ma'am, then Pita will tell. And then let bye, and then Putra will also tell bye. Okay. You can end it in this way as well, कि पिता बोलते हैं बहुत अच्छे, अब आप आपके विद्यालय में होने वाले कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले सकते हो. Okay, ma'am. फिर पुत्र बोलेगा जी पिताजी, then yes. end. Okay, ma'am, I'm just writing just one second. पिता बहुत अच्छे, आप अपने विद्यालय में होने वाली कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले सकते हो. Okay, ma'am. Ma'am, then the last part is that Putra will tell Acha. Then Putra will tell Acha Pita. Acha Pitaji, Dhanyavad. Yes, ma'am. Ma'am, then Dhanyavad. There's no space. Hmm. Theek hai. Theek hai, that's fine. It's good. Ma'am, can I take a screenshot? Yeah, ma'am, you can do it. Okay, the first page. Yes. I'm just one second. Yes, ma'am, I say, yes, ma'am, I'm done taking screenshot. Yes, ma'am. Just one second. Ma'am, just yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. Okay. Now, yes, so we'll take 1 hour class today only, okay? Ma'am, but why? You were saying, no, it's 1 hour class. Oh, it's only for 1 hour. Only. Okay. Okay, ma'am. So. Now, let's do some grammatical problems. Or I have a simple samvad likhan. One more. Aap usko quickly likh doge? Ma'am, I'll try to. Okay, just try to complete this in 10 sentences. Pustak mangne ko lekar ek chhatra aur chhatra ke beech hone wale samvad ko likhiye. Okay, ma'am. Ma'am, so like they're buying the pustak or they're just thinking about what? Asking for it. Like yeah. How students can buy from each other. Okay, like that. Okay, ma'am.
पुस्तक मांगने को लेकर एक छात्र और एक छात्रा के बीच में, या पुस्तक मांगने को लेकर दो छात्रों के बीच में होने वाले संवाद को लिखिए। ओके मैम। ओके सो राम देन सीता के, सो राम हेलो एंड देन स्टार्ट कैसे Then Sita will return. Hello. Me? And then then Ram will tell Mom मैम तो 2 सप्ताह के लिए मैं आपके पुस्तक भेज रही है। ओके मैं अच्छी हूँ। ओके मैम यू गॉट योर पेन? नो आई एम जस्ट यूजिंग माय फिंगर। आप कैसे हो?
क्वेश्चन मार्क, मैं भी ठीक हूँ। क्या आप अपनी पुस्तक मुझे दे सकते हैं? बट कौन सी पुस्तक, आपको बोलना पड़ेगा स्पेसिफिकली। क्या आप अपनी विज्ञान की पुस्तक मुझे दे सकते हैं? Okay. मेरी पुस्तक खो गई है। ठीक है राम, ठीक है, कितने दिन के लिए? विज्ञान पुस्तक हम कितने दिन के लिए? 2 सप्ताह के लिए। 2 सप्ताह के लिए। ये क्यों लिख रही हूँ मैं आपकी पुस्तक भेज रहे हैं? सीता तो पुस्तक ले रही है, राम दे रहा है, सीता थोड़ी भेज रही है। ओ सॉरी। 2 सप्ताह के लिए, फिर मैं पुस्तक वापस कर दूंगी। ओके मैम। और भेज के जगह लिखिए दे सकते हैं। ओके देते हैं क्यों लिखा है, फिर मैं पुस्तक वापस दे दूंगी ओके या वापस कर दूंगी। ओके मैम। राम, ठीक है, तुम मेरे घर आकर पुस्तक ले सकती हो। और ये दो दो एक्सक्लेमेशन क्यों लगाते हो? नॉट वाइल टाइपिंग, वाइल राइटिंग हिंदी आई लाइक ग्रामेटिकली टू एक्सप्लेनेशन आर नॉट अलाउड, ओनली वन। टू एक्सप्लेनेशन इज मीन्स लाइक वेरी मच एक्सप्लेनेटरी, वेरी मच शॉकिंग। ओ ओके। मैम तो तुम मेरे घर आते हैं, तुम मेरे घर आकर पुस्तक ले सकती हो। ले सकती हो। मैम एंड देन सीता विल टेल ठीक है बाय एंड बोलिए। मैम देन सीता विल टेल ठीक है बाय। नो धन्यवाद, पुस्तक देने के लिए धन्यवाद। ओके मैम। मैम देन दैट्स ऑल मैम, इट्स डन। ठीक है, सो अपना होमवर्क लिखिए आप। यस मैम। एक संवाद लिखना है आपको होमवर्क में, दैट शुड बी ऑफ 10 to 12 सेंटेंसेस। बट डू इंक्लूड नमस्ते और बाय सर, बाय इन 10 to 12 सेंटेंसेस। ओके ओके मैम, दैट शुड बी मीनिंगफुल। आप लिखिए, विद्यालय में अनुशासन को लेकर ओके मैम, प्रधानाचार्य और अनुशासन के लेकर विद्यालय में अनुशासन को लेकर प्रधानाचार्य और
कक्षा मॉनिटर के बीच हुई बातचीत। मॉनिटर के बीच हुई बातचीत। ओके मैम, को संवाद रूप में लिखिए। ओके मैम, आई रेड। मैम कैन यू मूव द, ओ मैम आई वांटेड टू टेक अ पिक्चर। ओके मैम कैन यू मूव द बुक। Done? Yes, ma'am. Thank you. Okay. Okay, so it's cool. A lot of emojis. Okay, Ria. Okay, ma'am. Happy New Year. We'll meet in the new year 2022. Okay, any plans you have? Mom, I don't really have any plans, but after that I have holidays, so I'm going out. Going on out? On January, on Sunday, because January 1st, it will be very crowded, so I'll go to any some nearby places, but on January 2nd, I'll go somewhere. Okay, where you will go? Mom, I'll just go to water park or somewhere, because that time the local school will also be it will be started, so that's why it will be less crowded. Places will be less crowded. Good, good. Enjoy. Bye. You too. Bye, mom.